हेलो, आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं? फाइन सर। बढ़िया बढ़िया हैं। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, और बताएं क्या चल रहा है? खाना पीना हो गया? अरे भाई बोल लिया करो। और बताएं, आज क्या स्टार्ट करना था अपने को? सर आइसोमेरिज्म करना था शायद। अच्छा, कोई आईसो आईयूपीएससी में कोई डाउट है कहीं भी? सर वो होमवर्क जो दिया था वो तो अच्छा दे पाए। अच्छा सर एक क्वेश्चन में अच्छा कौन सा क्वेश्चन? मैंने फोटो ले ली थी, मैं इसको बता दूंगा। सर सिक्स्थ क्वेश्चन एक मिनट रुको, मैं कैमरा ऑन कर लूँ मोबाइल का, देखा जाए। सिक्स क्वेश्चन कौन सा है? रिंग? अरे यार मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा था फिफ्थ, सिक्स रिंग वाला। नहीं सर आपने शायद फिफ्थ लिखा था उसे। अच्छा मैंने उसे फिफ्थ लिखा था। हाँ ये बोलो ना, फिफ्थ लिखा था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक सर है चलो पूछो। इसमें ये डाउट से हाँ बोलो बोलो। इसमें ये डाउट है ना सर, जो CHO है उसे फॉर्माइल और ऑक्सो दोनों लिखते हैं। हाँ हाँ तो तो वो तो उसमें अगर नाम मैं फॉर्मल लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई लिख दिक्कत सकते? नहीं होगी। नहीं नहीं कोई दिक्कत। अच्छा सर फॉर्माइल लिखेंगे तो उसे हाइड्रोक्सी से पहले लिखना पड़ेगा और ऑक्सो हाँ लिखेंगे मिथाइल के बाद तो में, ऐसे तो कोई बस दिक्कत अल्फाबेट नहीं। का ऑर्डर। वो तो अपन जैसे मान लो आपको चार ऑप्शन दिए गए, तो आपको ऐसा नहीं होगा ऑप्शन कि एक में फॉर्माइल देगा एक में ऑक्सो देगा, ऐसा नहीं देगा, है ना? अच्छा वो आपको एक ही देगा, कोई भी ऑप्शन देख लेना अपने हिसाब से। लिखा दूँ बताऊँ क्या? सर अगर दोनों देगा तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं अरेंज होगा एक। हाँ अरेंज होगा, लेकिन दोनों नहीं आते ऑप्शन, ठीक है? एक ही आता है। अरे नाम एक ही ओके लेंगे ना, तुम्हारा घर का नाम राजू है, बाहर का नाम क्या नाम है, या कुछ भी नाम है बाहर का, अवधेश है तो बाहर अवधेश ही बोले जाओगे ना। एक ही नाम से बुलाया जाएगा ना, बाहर वाले आपको अलग नाम से बुलाएं, घर वाले अलग नाम से बुलाएं, कितनी अंतर होगा? और बताओ यस फिर, सर। चलो कोई डाउट? अरे बोलो भाई, नो सर। नो सर। तो फिर मुझे डाउट है सिर्फ। अच्छा इतने कम बच्चे क्यों आए आज? और बच्चे कहाँ हैं? 16 बच्चे जुड़े हुए हैं आज। आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 26 है सर। 26 हैं? अरे मुझे क्यों इतने कम दिख रहे हैं? आज फिर कम 28 है? दिख रहे हैं मुझे। हाँ एक तो कल सर भी तो, है हाँ एक तो सर भी है, बिल्कुल सही और बात सर एक मैम है। है। हाँ अच्छा एक मैम भी है, ठीक है तो 26 हो गए। चल स्टार्ट करें। यस सर। तो पहले तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं तुम लोगों ने प्रैक्टिस की है आईयूपीएससी की, है ना? अच्छे से सर उसके हमारा नाम सही है या पूछा गलत ये कैसे पता चलेगा तो बताओ, हमें सॉल्व कर दो। तुम बताओ, अक्कल वक्कल बम्बे को फोन सर? वो करो। इसीलिए तो कहा था सर आपको उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे आने के लिए। टेलीग्राम पे ग्रुप में मैं आज मैडम से बोल दूंगा, मुझे ज्वाइन कर लो, ठीक है? तो वो मैं ज्वाइन हो जाऊंगा, ठीक है? अभी तक मेरा क्या, इस नंबर जिस नंबर से मैं हूँ व्हाट्सएप पे, उस नंबर से मैं अभी टेलीग्राम पे नहीं हूँ, तो वो चेंज है, दूसरा नंबर है, तो मैं उसको चेंज कर लेता हूँ टेलीग्राम इसी मोबाइल में डाउनलोड करके, फिर मैं आपसे जुड़ जाऊँगा, ठीक है? अभी कोई डाउट हो तो बताओ, सर कोई क्वेश्चन उसमें से टफ लग रहा हो तो बताओ, सर ये वाला नहीं होगा, नो सर। ठीक है? नो सर। तो फिर हम एक क्वेश्चन देते हैं, लॉलीपॉप क्वेश्चन ही है ये, आप ऐसे समझ सकते हो, धांसू क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है? देखो एक क्वेश्चन देखते हैं इसको कौन कर पाता है। बिल्कुल सही, एक बार में वो भी सबसे फास्ट, ये भी देखना है, सबसे फास्ट भी देखना है, चलो पहला क्वेश्चन ये कर दो, दूसरा एक और दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, पहले 4 बूंद पोलियो भी चलती था, अब 2 बूंद, 2 क्वेश्चन जिंदगी के, देखते हैं कौन सा बचा, ठीक है?
बताओ। जिसका हो जाए वो नाम बोल दे बस अपना, दो ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तुम्हारा एस ब्लॉक भी बचा हुआ है, पी ब्लॉक भी बचा हुआ है ना? सरेशिका गया इसका। अच्छा इशिका जी ने सॉल्व कर सर कृष्णा सर अखिला। दिया। अच्छा कृष्णा और अखिला, मुझे तीनों मिल गए, ठीक है। अखिला पता है, आप लोग भी अभी थोड़ा ही सिलेबस खत्म हो जाए अपना जल्दी, 22, 23, 24 तक अपन खत्म कर देंगे, फिर अपन डाउट सेशन लेते रहेंगे, जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक है उनको लेते रहेंगे, फिर मैं आपको और डिटेल में ले जाऊंगा, और डिटेल में लेके चला जाऊंगा, ठीक है। अभी देखो फिर इसको स्टार्ट करते, देखो क्या होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे 3 पे क्या लगा, एथाइल। 2 पे क्या लगा, मिथाइल। अच्छा तो इथाइल पहले आ गया या मिथाइल या क्लोरो, बोलो भाई इसका नाम बोलो, क्लोरो इसका नाम बोलो, इसका क्या है? 4 क्लोरो 3, 5 डाई इथाइल 3.5 डाइथाइल 6 हाइड्रोक्सी 6 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 2 मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड। 2 मिथाइल यही है सर। सही है तीनों का, यस सर। क्या बात, मजा बात दिया तुम लोग। इसमें बताओ इस बहुआ का नाम बताओ, टेडी बियर का। ये टेडी बियर तो नहीं लग रहा, अच्छी ड्रॉइंग नहीं है। वन वन 2, 4 टेट्राइथाइल 1, 1, 2, 4 टेट्राइथाइल 3, 3 डाई मिथाइल 3, 3 डाइमिथाइल। साइक्लोब्यूटेन। कोई साइक्लो बुला था इसमें? नो सर। नो सर। पक्का? यस यस सर। चारों के सही है, इसका कृष्णा अखिला तीनों के सही है। यस सर। आज देवेश नहीं यस सर। आया है, शुभम नहीं आया है, प्रेजेंट ही लगा दिया करो, अपना अपना नाम बोल दिया करो जब आया तो, ठीक है। यस हाँ ना, जिससे मुझे पता रहे भाई यहाँ बच्चे आ गए हैं। चलो आगे बढ़े, मतलब आपको यस सर। यूपीएससी आने लगा है, मतलब दे दिया जाए। अच्छा यूपीएससी तो आप कर लोगे, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। भ्रम में हूँ या उम्मीद कर सकता हूँ, जल्दी से बताओ। कर सकते हैं सर, आप कर सकते हैं सर। बिल्कुल, थैंक यू। अब हम बात करेंगे आज आइसोमेरिक की, इसकी बात करेंगे। कभी आई पढ़ा समझ है? छोटे छोटे से थे 10th क्लास में आप लोग, थे जब आपने आइसोमेरिक पढ़ा हुआ, यस क्या सर। डेफिनेशन होती थी बताओ। सर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अच्छा और कोई आंसर बताना, इसके साथ कौन कौन जाएगा, इस आंसर के साथ कौन कौन बच्चा जाएगा, नाम लेके बताना। सर बट ये 11th में थोड़ा सा सर ये गलत हो जाता है सर। हाँ 11th में नहीं, एक्चुअली ये मैक्सिमम बच्चा, मतलब 90% बच्चा यही डेफिनेशन बताता है, जो भी डेफिनेशन आइसोमेरिक की गलत है, ये ठीक है ना। यस सर, क्योंकि एक ना हाँ स्टीरियो आइसोमर्स भी होते हैं जिनको ये नहीं डेफिनेशन पूरा नहीं नहीं करते। यस नहीं नहीं सुनो, वो तो बात अपन करेंगे, आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे पूरा आइसोमेरिक में, अच्छे से डिटेल में इसको निचोड़ देंगे। आज मैं लिखूंगा आइसोमेरिक का निचोड़, ठीक है, निचोड़ देंगे। आज तौलिया देखिए गीली करो और उसको निचोड़ दो, इसी तरीके से, इस तरीके से आज इसको खत्म करेंगे। तो देखो आपको क्या दिया है आइसोमेरिक, मुझसे बोलेंगे जब से पहले तो सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है ना। मॉलिकुलर फॉर्मूला ऐसे समझो, आप क्लास 11th में हो, सारे सारे किस में हो, क्लास 11th में हो, मतलब आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब देखो, अब मैं बोलूं यहाँ पे बट डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज, आप लोगों की सारों की सारों की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है ना, बट डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होंगी यहाँ पे, डिफरेंट होंगी बेटा, कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। अब वो प्रॉपर्टीज कैसे बोलते हैं,
कौन सी प्रॉपर्टी? दो ही प्रॉपर्टी होती है आपकी, एक तो होती है फिजिकल एंड केमिकल। हाँ तो याद रखना फिजिकल और एक केमिकल। तो आप जब क्लास इलेवेंथ में है तो आपके सभी की क्या है मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज हर बच्चे की अलग अलग है, हर बच्चे की अलग अलग है, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज कौन सी? फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसकी बात करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। और इसमें किसकी बात करें? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इस टाइप से अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करें। केमिकल प्रॉपर्टीज में किसमें करेंगे बात? सिर्फ रिएक्टिविटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिएक्टिविटी। कितना क्लियर होगा? बोलना पड़ेगा हाँ या ना? यस सर। अब मैं जैसे मान लो मैंने ये दो कंपाउंड बना दिए, ये दो कंपाउंड बना दिए, मैंने पूछा क्या ये कंपाउंड आपस में आइसोमर्स हैं? सर हो सकते हैं अगर इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफर हो जाए तो। देखो बेटा, अच्छा इसका यूपीएससी नियम क्या है? पहले वाले का यूपीएससी नियम क्या है, सेकंड वाले का क्या है? सर टू मिथाइल पेंटेन है दोनों का, है ना, टू मिथाइल पेंटेन। अब देखो जब दोनों का ही नाम सेम, जिनके आईयूपीएसी नेम सेम होंगे वो क्या नहीं शो करेंगे? आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज, आइसोमेरेज को शो नहीं करेंगे। समझ में आया? मतलब ये क्या नहीं हुआ, आइसोमर्स ही नहीं है। क्या नहीं है? ये आइसोमर्स ही नहीं है, ठीक है ना। जिनके आईयूपीएसी नेम सेम होंगे यहाँ पे वो क्या नहीं होंगे? आपस में आइसोमर्स ही नहीं है। मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्या नहीं होंगे वो आपस में आइसोमर्स ही नहीं है। क्लियर हो गया अपना? यस सर। अब देखो जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये दे दिया मैंने, ये तो ये आपस में आइसोमर्स है। यस सर है, ये है। कौन कौन बोल रहा है ये है? ये नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्यों नहीं है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही नहीं है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेम होना चाहिए भैया। जब मैं मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा तभी ये आपस में आइसोमर्स होंगे। तो यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो क्या नहीं होंगे? ये आपस में आइसोमर्स नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ सर, यस सर। सबसे पहले तो आपको आइसोमेरिज को देखने के लिए कौन सा कंपाउंड शो करेगा, कौन सा लिंक करेगा, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? मॉलिकुलर फॉर्मूला देखना है। क्या देखना है? मॉलिकुलर फॉर्मूला देखना है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, उसके बाद हम बात करेंगे आइसोमेरिज, ठीक है ना। तो ये मैंने बात की तो देखो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है? कोई नोट तो नहीं कर रहा है? कर लिया सर। कर लिया, अच्छा। तो देखो जैसे मैंने ये आइसोमेरिज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या होती है उनकी प्रॉपर्टीज? डिफरेंट होती है, मैंने बताया था। इसको क्या बोलते हैं? आपस में आइसोमर्स बोलते हैं। तो ये फेनोमेना क्या होता है? आइसोमेरिज का फेनोमेना। इसको, इस टर्म को किसने बताया था? बर्जीलियस ने बताया था। आपके लिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी साइंटिस्ट डायरेक्ट पूछ लेता है, ये आपको बता दूंगे। किसने इसको बताया था? बर्जीलियस ने बताया। किसने बताया था? बर्जीलियस। इतना क्लियर हो गया? बोलो आगे बढ़े। अच्छा अब देखो, अब सर वो अभी नोट नहीं किया था। अरे वो नोट, ये नोट लिख तो लिया था आपने, डेफिनेशन तो वही है सर। वो उसका साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट का नाम नोट कर लो, बर्जीलियस। हो गया सर, हो गया। अच्छा अब yes. देखो अब हम बात करें यहाँ पे, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज। तो देखो क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, आपने देखो मैं आपकी फैमिली की बात करूँ तो आप बोलोगे सर हमारी पूरी फैमिली में कौन है? दादा जी हैं, दादी जी हैं, है ना, पापा हैं, फिर है ना, इस तरीके से आप फैमिली बोलोगे। तो यहाँ भी ये क्या आइसोमेरिज क्या आपके दादाजी हैं, ठीक है ना, उनके दो बच्चे हैं, कौन कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज और स्टीरियो आइसोमेरिज। अब इनकी शादी हो गई, इनके भी क्या है ये बच्चे, कौन से चेन, पोजीशन, फंक्शनल रिंग चेन, मेटामेरिज, टॉटोमेरिज। स्टीरियो आइसोमेरिज के दो बच्चे कौन से? कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल, है ना। तो ये पूरी पीढ़ी को हम पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे? इस पूरी पीढ़ी को हम पढ़ेंगे। देखो आपके इलेवेंथ में मैं सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा कहां तक, टॉटोमेरिज तक, ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। कन्फॉर्मेशनल है ये मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, लेकिन इन डिटेल अपन सर नीट के सिलेबस में भी नहीं है। नहीं है, अपन पढ़ेंगे इन डिटेल, 12th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। Okay. अभी सब कुछ अपन पढ़ेंगे, दोबारा से सब कुछ पढ़ेंगे नीट के सिलेबस में, अब सब कुछ कराया जाएगा। सो डोंट वरी, आप अभी टेंशन मत लो। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले आप अच्छे से बोर्ड दे लेते हो, तो ठीक है नंबर जुड़ते नहीं आप लोग जैसे कहते हो, लेकिन अपने को आना तो चाहिए ना। पहले बोर्ड दे लें, उसके बाद अपने पास टाइम ही टाइम, अपन जल्दी से सिलेबस खत्म करके फिर अपन जितना टाइम मिलेगा
और फिर एक एक टॉपिक उठाएंगे, जो आपको सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगेगा उसी को अपन उठाएंगे, उसी को अपन पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे और अपन नीट को कवर अप करते चले जाएंगे, ठीक है? क्लियर हो गया सभी को ना? तो मेरा ये सोचना है इस तरीके से चलेंगे। तो देखो आइसोमेरेज समझ, अब आइसोमेरेज कितने टाइप का, तो दो टाइप का स्ट्रक्चर आइसोमेरेज और स्टीरियो, ठीक है ना? तो हमारे सिलेबस में कौन सी स्ट्रक्चर, जो आप टेंथ में पढ़ते हो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज की डेफिनेशन पढ़ते हो, और जो मैक्सिमम बच्चा डेफिनेशन आंसर देता है अभी, क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है ना? ये आप किसकी बोलते हो, ये आप डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म, मतलब कौन से होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज कहते होंगे वो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज जो आप डेफिनेशन बोलते हो, आप लोग कौन सी बोलते हो, स्ट्रक्चरल की बोलते हो, ठीक है? कितना क्लियर है? यस सर। तो हम चले स्ट्रक्चरल की ओर, चले सर, ये वाला नोट डाउन तो नहीं करना था ना? कर लो, नोट कर लो, अच्छी बात है, नोट कर लोगे इस पे क्वेश्चन आएगा। अभी याद रख लेना कि स्टीरियो भी दो टाइप, स्टीरियो आइसोमेरेज दो टाइप, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, मैं क्वेश्चन दूंगा अभी, क्वेश्चन कराऊंगा आपको, कुछ देखते हैं अभी। कर लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस तरीके से मैं आपको पीपीटी लेके आऊँ तो मजा आता है कि लिख के बताऊँ, वो ज्यादा मजा आता है। मैंने इसलिए आज नया एक एक्सपेरिमेंट किया आप लोगों के लिए, आप जैसा करें वैसा कर लीजिए। दोनों सही है, दोनों सही, ठीक है। तो मैं वैसे दोनों ही तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना? तो देखो, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपने बताया था, क्या होगा, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा, क्या होगा, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा बट, है ना, और क्या होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, और क्या होंगे, डिफरेंट क्या होंगे बताओ, डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, क्या होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। उन्हें क्या बोलेंगे अपन, उन्हें अपन बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे हमें इसको मैंने लिखा, हमने भी यहाँ क्वेश्चन दिया था, बताओ ये क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं आपस में, बताए पहले तो, ये क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? नो सर, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या नहीं है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, सेम ही नहीं है। अच्छा, क्या ये आपस में स्ट्रक्चर्स हैं? नो सर, सर नो सर, दोनों सेम है, क्योंकि हाँ सेम है, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, ये आपस में स्ट्रक्चर है, यस सर, है, हैं, वेरी गुड। क्यों, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या, C5H12, ठीक है ना? देखो इसका स्ट्रक्चर अलग है, पेंटेन है, और ये क्या 2-methyl-butane लिखा हुआ है, तो ये क्या होंगे आपस में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर हुआ? समझ नहीं आया सर, लास्ट वाले में तो फॉर्मूला डिफरेंट है दोनों का, फॉर्मूला देखो हमने क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट क्या होंगे, क्या होंगे डिफरेंट, स्ट्रक्चर देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C5H12, बट स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे पेंटेन लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, 2-methyl-butane, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है ना, बट स्ट्रक्चर क्या है दोनों का, चेंज है। जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूँ, यहाँ पे कितने कार्बन एटम की चेन मिल रही है, 5 कार्बन की, यहाँ पे कितने कार्बन एटम की मिल रही है, 4 कार्बन की। आपको क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? यस सर। सभी को क्लियर है यहाँ तक, पहले ये बताओ। यस सर, यस सर। नाम में ही छिपा हुआ है स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज, मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज बोलेंगे। क्लियर हुआ? इसका, अखिला, सबको क्लियर हुआ? शुभम, यस सर। जो कहीं भी डाउट है तो पूछ लेना, और ऐसा तो नहीं है ना, कहीं भी डाउट है पूछ लेना, रोक के, सर ये चीज समझ में नहीं आई, जब तक की समझ ना आ जाए आपको तब तक पूछना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सर पीछे वाली कर दे सर, कौन सी सर, इससे ये वाली, यस सर। हाँ, और स्ट्रक्चर करा है आपको? यस सर, हो गया। एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे आप क्लियर हो जाए, ठीक है ना? जैसे ये कंपाउंड दे दिया, ये बताओ आपस में ये कैसे आइसोमर्स है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है? बोलो। यस सर, है, यस सर।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लिया, C6H14 है। अभी देखो, अभी आपको थोड़ा अभी थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा सर ये समझ क्या है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना धीरे धीरे, जब आप दोबारा से ट्वेल्थ में और पढ़ोगे तो आपको एकदम वास्ट क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, मैं मतलब इसकी कम से कम नहीं, कम से कम 200-250 क्वेश्चन तो मैं खुद ही कराता हूँ, ठीक है ना, सो डोंट वरी। अब देखो, अब यहाँ पे देखो दोनों तो क्या हो गए स्ट्रक्चर, क्यों देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ भी क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब यहाँ पे कितने कार्बन की मिल रही है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 6 कार्बन की और यहाँ पे 5 कार्बन, लेकिन क्या है स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखो यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे लगा था, यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर हो गया? यस सर सभी को, यस सर, है ना। तो देखो इस, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात आती पहले आइसोमर्स की, बात आती चेन आइसोमर्स। देखो नाम में छुपा चेन, अब मतलब डिफरेंट क्या मिलेगी आपको, क्या मिलेगी डिफरेंट, चेन कार्बन चेन, हाँ कार्बन चेन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो कैसे हम बात करें, मतलब हम बोल रहे हैं चेन आइसोमर्स उससे बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट क्या होगा, बट क्या होगा जो डिफरेंट प्रिंसिपल कार्बन चेन, मतलब डिफरेंट हम ऐसे भी लिख सकते पेरेंट कार्बन चेन, क्या होगी डिफरेंट होगी। जैसे हमने आपको दिया क्वेश्चन, जैसे ये दिया, ठीक है ना, ये आपको मैंने दे दिया, क्या ये आपस में आइसोमर्स हैं? नो सर। अच्छा नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा क्या ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं, बताना मुझे इस तरीके से, हाँ क्या ये मुझे ये चेन आइसोमर्स हैं? यस सर, यस सर। क्यों, यहाँ पे कितने कार्बन की पेरेंट चेन मिल रही, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 1, 2, 3 तो पेरेंट चेन डिफरेंट मिल रही, मतलब ये क्या है, देखो तो ये कितने हो गए, ये आपके चेन आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा और बताओ, और बताओ मुझे एक दो, अच्छा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छे से सुनना। ए लिख दिया मैंने, बी लिख दिया यहाँ पे, सी लिख दिया। पहला मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ए एंड बी आर, है ना, ऑप्शन ए है, सुनना, ऑप्शन ए दिया मैंने आइडेंटिकल, ठीक है ना, नंबर बी दिया मैंने चेन, नंबर सी दिया पोजीशन, आइसोमेरिज की बात कर रहा हूँ, एंड लास्ट वन दिया डी, नन ऑफ दीज, ठीक है ना, बताओ मुझे ऑप्शन। सर चेन आइसोमर, चेन आइसोमर कैसे होंगे, चेन आइसोमर बिल्कुल। अच्छा मैं पूछूं अब यहाँ पे सी एंड डी आर, यही चार ऑप्शन सेम है, आइडेंटिकल, सर बी एन सी होगा ना सर वो तो, हाँ बी एन सी, सॉरी बी एन सी लिख देता हूँ, ये सर वो तो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, क्लियर हो रहा ना समझ में, कि जब आईयूपीएसी नेम होगा तो कैसे हो जाएंगे वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, क्लियर हो गया। ये मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूँ, मैं स्टीरियो की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टीरियो में अलग सिस्टम होता है, मैं बताऊंगा बाद में जब अपन ट्वेल्थ में, स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप बोलो सर आपने तो ये बताया था सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट चेन होता है ना, तो यहाँ पे तो अलग ही चीज फेल हो रहा है स्टीरियो में, तो मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है ना, इतना क्लियर है यहाँ तक, पहले ये बताओ। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? अच्छा एक दो क्वेश्चन और दे देते हैं, चलो तुम लोगों के नाम पे, चलो ये बताओ, बताओ सर चेन आइसोमर्स है तीनों, हाँ तीनों है ना। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है इसका सर, इनका मॉलिक्यूल C5H12। भैया बताओ पहले यहाँ तक क्लियर है सभी को, तो मुझे बता। यस सर। पक्का? यस यस सर। आगे बढ़े, जल्दी बोलो भाई, लॉक कर दिया जाए। यस सर। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो? नो देखो सर। मैंने सारे नो सर यहाँ पे एग्जांपल्स लिख दिए हैं जो मैंने डिस्कस भी किए थे, देखो ये क्या है आपस में, देखो ये कैसे है, पहले पहला दूसरा तीसरा क्या है, चेन आइसोमर, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे क्या 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 1, 2, 3। अच्छा ये दोनों बताओ सर चेन आइसोमर, चेन आइसोमर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ये दोनों चेन आइसोमर, चेन आइसोमर, ठीक है ना, ये एग्जांपल्स क्या है सारे चेन आइसोमर्स के हैं। यहाँ पे किसी कोई डाउट? नो सर। अच्छा नोट तो नहीं कर रहा है कोई बच्चा? कर रहे हैं सर, एक मिनट। ठीक है ठीक है,
एग्जांपल्स नोट करने हैं? कर लो, नहीं तो वैसे मैंने जो मैंने कराया वो कर लो, चाहिए करना हो तो ये कर लो। ओके सर। सर बस पहला वाला कर रहे हैं, आराम से कर लो, पहला कर लो तू, मेरे हिसाब से दूसरा तीसरा करो ज्यादा अच्छा, पहला वाला तो मैंने करा दिया, अच्छा एग्जाम्पल है दूसरा तीसरा, कंफ्यूजन ज्यादा है रहता दूसरा। सर वैसे चेन आइसोमर्स में बस इथाइल मिथाइल और ऐसे एल्काइल ग्रुप्स की शिफ्टिंग होती है ना? अंकल ग्रुप की भी तो होती है, देखो देखा नहीं, CHO है, OH है, देखो यहाँ भी तो रहा उनकी कहाँ हो रही है, पेरेंट चेन में तो वो रहते ही हैं हमेशा। तो रहते हैं, लेकिन OH में तो नहीं है, देखो जनरली उसी की बोल सकते हो, सब्सिट्यूएंट की बोल लो, इथाइल मिथाइल की बोल लो, सिंपल सी बात कर है, लिया आप सर नोट। पेरेंट चेन सेम होनी चाहिए, जो आप लॉन्ग जो ले रहे हो ना लॉन्गेस्ट चेन वो सेम होनी चाहिए, है ना, वो सेम होनी चाहिए। सर डिफरेंट होनी यही सर, चाहिए, वही तो डिफरेंट हो जाती है ना। डिफरेंट होनी चाहिए ना, वो डिफरेंट होनी चाहिए, हमें उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे दी मॉलिकुलर फॉर्मूला हुआ सेम तब तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ना चीन आइसोमर्स नहीं बोलेंगे। यस सर। आप सब्सटीट्यूएंट के रिस्पेक्ट में मत जाओ, तो यार इथाइल ही होता है। अभी मैं आपको जब आप 12th में आओगे तब मैं आपको बताऊंगा वहां पे कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे, कैसे सब्सटीट्यूएंट लगाएंगे, ये चीज सिखाएंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं अभी बहुत डिटेल में ले जा रहा हूँ, जिससे आप कोई भी बुक लगाएं तो आपको फिर भी सॉल्व हो जाए आपसे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पोजीशन बताओ, पोजीशन नाम में ही पता चल रहा है अपने को, नाम में ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, पोजीशन क्या मिलेगी अपने को, डिफरेंट मिलेगी, क्या मिलेगी, डिफरेंट, है ना। मतलब आपको क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा, क्या हुआ, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा, देखो है ना, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा, है ना, और बट लेकिन क्या होगा, बट डिफरेंट, बट डिफरेंट पोजीशन होगी किसकी, देख लो, बट डिफरेंट पोजीशन किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, है ना, फंक्शनल ग्रुप की, या फिर किसकी होगी, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट की, या फिर मल्टीपल बॉन्ड की, मल्टीपल, ठीक है, इतना क्लियर है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, देखो यहां पे मतलब यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा बताऊं, तो यहाँ पे सिंपल फंडा ये कि पेरेंट चेन तो सेम ही रहेगी, क्या रहेगी, पेरेंट चेन सेम ही रहेगी। तो देखो जैसे हम बात करें यहाँ पे, है ना, हम यहाँ पे बात करें, हमने एक मिथाइल यहाँ लगा दिया, ठीक है ना, एक मिथाइल यहाँ लगा दिया, बताओ ये कैसे आइसोमर्स हैं आपस में, सर देखो पोजीशन आइसोमर पोजीशन कैसे, एक दो तीन चार पांच, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट क्या इनकी पोजीशन डिफरेंट, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे कहाँ पे लगा मिथाइल, तीसरी पोजीशन पे, इसलिए क्या ये पोजीशन आई, ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। नो अच्छा सर एक और बार बता दीजिए। देखो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ये मिथाइल लगा ना, देखो मिथाइल की सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या, यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे, और यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे। ओके सर जो क्लियर। पोजीशन जब चेंज होगी तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन पोजीशन आइसोमर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, आप लोग कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन आप हमेशा दे रहे हो, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता है ना ये वाला क्वेश्चन आपसे हमेशा, एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ये मिटा देते हैं, थोड़ी गड़बड़ हो गया, बताओ यहाँ पे ये पोजीशन है नो सर। नहीं, है ना, ठीक है, क्या है, ये भी पोजीशन नहीं है, ठीक है ना, आइडेंटिकली है। अच्छा और देख लो क्वेश्चन, क्या ये पोजीशन है, नो सर। नो सर। पक्का समझ में आ गया, क्योंकि यस सर। दूसरी लेकिन पोजीशन पे अगर लगे हुए हैं। पोजीशन क्यों नहीं है, देखो एक वही खेल होता है, दूर से देखा फिर तो इसके कैसा पहले वाला लगा, ये वाला देखो, ये दूर से देखा, एक दो तीन चार, एक दो, नंबरिंग करो ना अकॉर्डिंग टू IUPAC,
कहाँ पे लगाया मिथाइल? दूसरी पोजीशन पे, और यहाँ भी कहाँ लगाया? दूसरी पोजीशन पे, पोजीशन आइसोमर पे, ठीक है। 3 4 1 2 3 4 ये भी शो नहीं करेगा। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो, सर ये आइडेंटिकल है ना ये दोनों? ये दोनों आइडेंटिकल, आईयूपीएसी नेम सेम है ना, आइडेंटिकल। ओएच यहाँ दे दिया जाए और ओएच यहाँ दे दिया जाए, अब बताओ सर पोजीशन आइसोमर होंगे पक्का? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। बिल्कुल, तो जीत चुके हैं आप। वेरी गुड, क्या नाम था आपका? सर शुभम। शुभम, अब बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट? कृष्णा, इशिका, अखिला और एक कौन थी, सानवी? सानवी नहीं आई है क्या? यस सर, प्रेजेंट। प्रेजेंट, क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। अच्छा एक और देखो, अब बताओ मुझे, अब देखता हूँ कौन बच्चा बता पाता है। एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ये क्या पोजीशन आइसोमेरिक को शो करेगा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे लगा है? सो फर्स्ट वन, और यहाँ पे सर सेकंड। सेकंड ये करेगा। अच्छा इतना क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा मतलब क्लियर है, चलो थोड़े और सर। सर अभी वन ही था नोट। अच्छा नोट करवा देंगे, पहले समझ लो अच्छे से। अभी अपन फ्लुएंसी में तो अपने को सब समझ में आता जा रहा, ठीक है ना? सर उसमें डेफिनेशन में सेम फंक्शनल ग्रुप लिखा था और आपने डिफरेंट लिखा है। कहाँ पे? सर ये जो प्रिंट है इसमें सेम लिखा है फंक्शनल ग्रुप और आपने डिफरेंट लिखा है। मैंने क्या लिखा यार, थोड़ा देखो मैंने क्या लिखा, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने बोला था वो चीज सुनो, मैंने लिखा सेम है तुमने गलत तरीके से, देखो कैसे, बट डिफरेंट हमने बोला था। डिफरेंट क्या होगी? पोजीशन, किसकी पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन होगी, या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन। यहाँ पे ये बोला सेम फंक्शनल ग्रुप, ऐसा नहीं है कि अब आप करो यहाँ पे ले रहे हो OH और यहाँ पे ले रहे हो CHO, सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तो देखोगे आप। ओके सर, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। यस सर। क्या नाम था? अनस। अनस, क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, पूछना चाहिए था यदि समझ में नहीं। तो देखो यहाँ पे समझ गया ना मैं क्या बोल रहा था, वहां पे मैंने पोजीशन बोला, फिर मैंने सांस ली, फिर मैंने सांस के बाद क्या बोला, सांस ली क्योंकि भाई जरूरी थी ना, फिर मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हो या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हो या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन हो, ये पोजीशन आपकी डिफरेंट होगी तभी क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज को शो करेगा, ठीक है? यस सर। अब हम और क्वेश्चन दे, जैसे चलो अब बताओ मुझे, अब बताओ देखते हैं ये बच्चा कौन बता पाता। मैं अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब बताओ। सर पोजीशन आइसोमर है। क्या नाम है? सर शुभम। शुभम, और कोई है शुभम के साथ? सर नहीं है। क्यों नहीं हुआ सर? क्या यार पता, आप लोगों ने दिल खुश कर दिया, पता क्यों दिल खुश कर दिया? क्योंकि जिस बच्चे ने भी नहीं बोला ना, मतलब दिल खुश कर दिया, क्योंकि मैक्स 99.99 बच्चे भी गलत आंसर बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या देख लेते हैं, वो देखते हैं फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे देखो पहली पोजीशन पे और यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे, ये ध्यान देते हैं। स्टार्ट टू सी एच टू करेंगे। हाँ वेरी गुड बेटा, थैंक यू, बहुत मजा आ गया सच्ची में, दिल खुश कर दिया। तुम जब आना तुम लोग चॉकलेट तुम्हें जरूर खिलाएंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ भी 1 2 3 4। तो ये कैसे आइसोमर्स होंगे फिर? चेन आइसोमर्स कैसे होंगे? कैसे होंगे? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, ठीक है ना? वेरी अच्छा, तो ऐसे ग्रुप, ऐसे इन इन ग्रुप को क्या बोलते हैं? दादा भाई, दादा भाई समझते हो, गुंडा है ना, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है ना? मींस ऐसे ग्रुप जहाँ पे सी एच ओ लगे हैं, इससे ऐसे ग्रुप कौन कौन से? सी एच ओ हो गए, सी डब्लू एच हो गए, सी एन हो गए, ये कभी भी क्या शो नहीं करेंगे आपके पोजिशन आइसोमेरिज को, शो ही नहीं करेंगे को, सो नहीं करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज को, सो ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनकी नंबरिंग कहां से होती है? पहली पोजीशन इन्हीं से होती है, ठीक है ना? क्लियर हो गया सर? इनमें तो नंबर ऑफ कार्बन अलग-अलग नहीं है। कहां अलग-अलग है? यस सर, ऊपर वाले में 5 है और नीचे वाले में 6 है, तो ये आइसोमर्स ही नहीं है फिर आपस में। हां वही, ठीक है ना? ये आपस में आइसोमर्स ही नहीं है, ठीक है ना? ये आपस में आइसोमर्स ही नहीं है, तो समझ लो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, तो सी एच ओ, सी डबल ओ एस, सी एन,
एक्चुअल में वो क्वेश्चन मुझसे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये क्वेश्चन था PHO और PACH, इस तरीके से था वो क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाला। तो ये क्या शो नहीं करेगा, ये चेन आइसोमर्स होगा, क्या हुआ, चेन आइसोमर्स, ठीक है, क्लियर हो गया सर। ये वाला फिर चेन आइसोमेरिज्म कैसे हुआ, फर्स्ट वाला एग्जांपल आपने, देखो इसलिए हुआ, एक दो तीन, पहला वाला नहीं होगा, चेन तीन चार, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो नहीं होगा, फाइव सिक्स, यहाँ पे क्या होगा, वन टू थ्री फोर, कितने कार्बन की चेन मिल रही है यहाँ पे, हाँ सर ठीक है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, तो ऐसे ग्रुप कौन से होंगे जो पोजीशन शो नहीं करेंगे, सी एच ओ ग्रुप हो जाएंगे, सी डबल ओ एच हो जाएंगे, सी एन हो जाएंगे, अमाइड हो जाएंगे, बहुत सारे ग्रुप हैं जिन, ऐसे कार्बन अपन लिख सकते हैं, ऐसे कार्बन है ना जिनका यूपीएससी नेम का स्टार्ट है ना नंबरिंग नंबर है ना, जिनकी नंबरिंग कहाँ से करते हैं बोलो, उसी कार्बन से करते हैं। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप लिखो यहाँ पे, ऐसे फंक्शनल ग्रुप ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ऐसे फंक्शनल जिनकी नंबरिंग हम उसी कार्बन से करते हैं वो क्या शो नहीं करेंगे, वो कभी भी आपकी कौन सी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे, क्लियर हुआ, यस सर, यस सर। ये मैं बता 99% आंसर गलत देते तो दोनों खुश करते हैं ना, क्योंकि बच्चे यही बोलते हैं कि सी एच ओ सी एच ओ सी एच ओ, क्लियर हुआ, यस सर, यस सर, पक्का और क्वेश्चन कराएं, कुछ और क्वेश्चन करा देते इसी बात पे, तुम्हारे कराते कुछ क्वेश्चन, चलो यस सर बताओ, ये कैसे आइसोमर्स हैं आपस में, ये बताओ ये कैसे आई चुमक, सब पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स समझ में आ रहा है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 है ना, है ना, तो कैसे हैं आपस में, इसको क्या बोलते हैं, जाइलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाइलीन, इस कंपाउंड का नाम क्या, जाइलीन, इसको बोले ऑर्थो जाइलीन, इसको बोले मेटा जाइलीन, इसको बोले पैरा जाइलीन, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा और देख लेते एक दो क्वेश्चन, ये कंपाउंड पोजीशन शो करेगा, नो सर, मजे है ना, क्यों सर, दोनों सेम ही है सर, ठीक है बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को, यस सर, पक्का, यस सर, आगे बढ़ा जाए, देख लो ये सारी पोजीशन आइसोमर, एक मिनट सर नोट करना था, अरे ये नोट कर लिया था सभी ने, ये यस सर, आगे बढ़े, ये भी हो गया सर, ये तो आपने लिखा कि नहीं है पोजीशन आइसोमर, ये कैसे होगा, बेंजीन वाला जो था, ये पोजीशन आइसोमर है, ये नहीं है, ये बेंजीन नहीं है भाई, समझ लो, ये सुनो 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 सुनो, ये तुम नहीं, ये गलती होती है भाई, 95% स्टूडेंट से गलती होती है, बेंजीन इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, तो ये आइसोमर 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग यहाँ से करोगे, नहीं यहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5 6 दोनों का नाम क्या है, वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सेम ही तो है, यस सर, ओके, आगे बढ़े, यस यस सर, बताओ ये कंपाउंड सारे कैसे हैं, मैंने सारे समझा दिए, पोजीशन आइसोमर्स शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा ना, यहाँ पे देखो दूसरी पोजीशन पे लगा, यहाँ पे पहली पोजीशन पे क्लोरीन लगा, यहाँ पे पहली पोजीशन पे अल्कोहल लगा, एक दो तीन, यहाँ पे
दो तीन दूसरी पोजीशन पे, ये भी एक दो तीन, एक दो तीन, इसको पता क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अमाइन ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, अमाइन ग्रुप, याद रखना ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो यहाँ पे क्या है वन, यहाँ पे पोजीशन पे लगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे वन पोजीशन पे लगा, तो ये सारे मैंने एग्जांपल डिस्कस कर दिए, क्लियर है? यस सर। चुप्पी साथ जाते सबके साथ, एक साथ नहीं बोलते यस सर, ये भी मैंने बताया था अभी, इस टाइप का मॉलिक्यूल किया था ठीक है। अपन ने सी एस सी लिए थे दोनों है ना, और यहाँ पे क्या है सी एस सी और सी एल है ठीक है, ये भी क्या है सर, ये ऑर्थो मेटा पैरा क्या है? अरे देखो मैं बता देता हूँ, अच्छा ये पढ़ा नहीं है आप लोगों ने? नो सर। नो सर। मैं बता देता हूँ, जब जी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ए ग्रुप जुड़ा हो या कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, इस पोजीशन को बोलते हैं जस्ट बगल वाले, पड़ोसी वाले, पड़ोसी घर में देखना ठीक है ना, जस्ट बगल वाले घर में, इसको बोलते हैं अपन ऑर्थो पोजीशन, क्या बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन ठीक है ना। तब ग्रुप जी के रिस्पेक्ट में है ना, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हो ठीक है ना, उसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, क्या बोलते हैं मेटा ठीक है। जब जी के रिस्पेक्ट में, जी कोई भी ग्रुप हो सकता है, ए कोई भी ग्रुप होता है, यहाँ पे जुड़ा हो, इसको क्या बोलते हैं पैरा पोजीशन, पैरा ठीक है, क्लियर हो गया सर। अगर ये जी के लेफ्ट में होता ए, मतलब जस्ट बगल में होता, सिमेट्रिकल 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 ऑटोमेटा, हाँ यस सर, जब भी वो फिर औरत ही होता ना, हाँ औरत ही है ओके ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। क्लियर, चले आगे सर। ये इनके बीच में सर्कल क्यों है? देखो एक आपने एक पता, एक पूरी ऑर्गेनिक की बहन जी है, बहन जी मतलब समझते हो कौन है, बहन जी है, सिस्टर है सर, इसको बोलते बहन जी बोलते इसको ठीक है ना। यस Yes, तो एक्चुअली क्या भाई, हम रेजोनेंस पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने रेजोनेंस थोड़ा बहुत ठीक है ना, तो अभी थोड़ा बहुत हम रेजोनेंस पढ़ाएंगे, तो बीच में क्या आ जाता है सर्कल बना देते हैं, डिलोकलाइजेशन होता है। इसका मतलब होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो रहा है डिलोकलाइजेशन हो रहा है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन ठीक है ना, इसी को अपन रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्लियर हो गया? क्या लिखा सर वो आपने, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड रेजोनेंस। अभी बात करेंगे, चिंता मत करो, अभी आगे बहुत टेंशन नहीं लेने का भाई, मैं सब कराऊंगा, ट्वेल्थ में सब कराऊंगा, शुरू से करेंगे इसको, अब कम से कम पता है मैं कम से कम नहीं ऑर्गेनिक में 3 या 4 मंथ्स पढ़ाऊंगा पूरी ऑर्गेनिक की, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स समझते हो, 4 महीने आपके ऑर्गेनिक के। सर एक बार पिछले वाली स्लाइड्स दिखा दो। बिल्कुल दिखा देता हूँ। यस सर, एक मिनट। सर ये इतनी लंबी होती है ऑर्गेनिक? अरे ऑर्गेनिक मैंने क्या बोला, मैं चाहूँ आइसोमेरिज्म के टॉपिक में ही अकेला आइसोमेरिज्म में ही पूरी जिंदगी काट सकता हूँ, इतना पढ़ा, बट अपने को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको पढ़ते हैं ठीक है ना, बहुत ऑर्गेनिक मैं पूरी जिंदगी पढ़ाऊँ तब भी वो कम है, तब भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि डेली डेली नई रिएक्शंस डिस्कवर होती जा रही, नई रिएक्शंस बनती जा रही, मैकेनिज्म वही है, सब कुछ वही है, पढ़ते जाओ रटते जाओ रटते जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बच्चा ऑर्गेनिक को रटने की कोशिश करता तो रटना नहीं है तुम लोग ऑर्गेनिक में, तो डर ही नहीं लग, बस क्लास को अच्छे से सुनना, क्लास को अच्छे से सुनना, नोट्स अच्छे से पढ़ना, मैं जिस तरीके से, फिर एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, और जो यहाँ से डीपीपी मिलेगी तुमको, और एक मॉड्यूल मॉड्यूल या डीपीपी जो भी मिलता है यहाँ से, वो सॉल्व करना अच्छे से, और एक बुक अच्छी लगानी 10 बार, एक बुक लगानी 10 बार, ये नहीं 10 बुक एक बार में, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो सर MS चौहान अच्छी लगी, MS चौहान भी लगा ले सर, हिमांशु पांडे भी अच्छी लगी, वो भी लगा लेते हैं सर, भाई बहुत से बच्चे शायद हिमांशु पांडे नाम है, MS चौहान सुना होगा, लगाने लगते हैं, ये बुक मत लगाना भी, जब मैं बोलूँ तभी लगाना, सबसे टफ बुक होती है मतलब का भी, फिर कोई MTG कोई कुछ भी लगाने लगता है, 10-10 बुक, एक बुक लगाओ 10 बार ठीक है। कौन सी क्या कौन सी बुक करनी चाहिए पहले, पहले कौन सी करनी चाहिए, पहले मेरे हिसाब से तुम डीके सिंह ले लो ऑर्गेनिक की, जैसे तुम ऑर्गेनिक की, मैं डीके सिंह क्यों बोलता हूँ, 12th में वो ले लेना, सिर्फ ऑर्गेनिक की है, जैसे तुम्हें मैं आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँ, आइसोमेरिज्म है ना, आइसोमेरिज्म में भी वो स्ट्रक्चरल पढ़ा रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर की पहले 5-10 क्वेश्चन होंगे, फिर मैंने चेन पढ़ाया तो चेन के 10 क्वेश्चन होंगे,
इजी टू डिफिकल्ट, उससे क्या हो जाता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से तुम्हें बुक चाहिए उस तरीके से बुक है। जब वो अच्छे से लगा लो फिर मैं मुझसे पूछना तो मैं बोल दूंगा भाई लगा लो जो अच्छी बुक लगे, जो भी तुम्हें बुक लगे अच्छी डिफिकल्ट आसान जो लगाना उसे लगाते रहो। ठीक है, डायरेक्ट एम एस चौहान मत लेना ना हिमांशु पांडे लेना जब तक कि मैं सारा ना करूं। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज। जो फंक्शनल आइसोमेरिज किसे बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज हम बोलते हैं क्या होगा, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, लेकिन डिफरेंट क्या होते हैं यहाँ पे फंक्शनल, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो वो कैसे आइसोमर्स होंगे, तो देखो जैसे हमने बोला एल्कोहल एंड ईथर, जो एल्कोहल एंड ईथर ये सब कैसे फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन, देखो एल्कोहल ये सब क्या दोनों फंक्शनल आइसोमर्स, देखो यहाँ पे एल्कोहल है आपका फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे ईथर है, ठीक है ना, तो कैसे आइसोमर्स हो गए आपके फंक्शनल आइसोमर्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन ये कैसे हो गए आपस में फंक्शनल आइसोमर्स, देखो आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, याद रख लो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन आर किस तरीके आइसोमर्स है तो आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमर्स। एसिड एंड ईस्टर कैसे आइसोमर्स है आपस में फंक्शनल आइसोमर्स। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड कैसे आइसोमर्स है आपस में फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सर। हमें ये कैसे पता चलेगा कि दो फंक्शन ग्रुप आपस में ये फंक्शनल ये याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे एल्कोहल एंड ईथर कैसे आइसोमर्स होते हैं फंक्शनल होते हैं। अब वो बात अलग है, अब मैं आपको इस तरीके से घुमा के दे दूं क्वेश्चन, OH ये दे दिया और ये मैंने इस तरीके से दे दिया और मैं पूछू यहाँ इस अच्छे से बना देते हैं थोड़ा सुंदर सा, लोग है ना इसको ब्यूटी पार्लर ले जाते हैं सुंदर सा बना देते हैं, बहुत गंदा लग रहा है ना, एक मिनट इसको मैं पहले मिटा दूँ नहीं तो हंसी आएगी तुम लोगों को, है ना, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो देख लो यहाँ पे मैं एक बार समझा देता हूँ अच्छे से, ऐसे मान लो मैंने इस टाइप का मॉलिक्यूल दे दिया आपको OH, है ना, इस तरीके का दे दिया, क्या ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। सबसे पहले क्या देखना आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो क्या नहीं है फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है ना। यदि मैं इसी को इस तरीके से लिखता OH, अब मैं पूछता क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स है, यस सर। क्लियर हुआ, इस तरीके से आपसे स्ट्रक्चर बना के दे देगा, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि एल्कोहल ईथर कैसे आइसोमर्स होते हैं आपस में फंक्शनल आइसोमर, ठीक है ना, इतना ध्यान रख लोगे। एल्डिहाइड कीटोन कैसे होते हैं फंक्शनल सर, दोनों में पर ऑक्सीजन तो कॉमन है ना, तो ऑक्सीजन तो कॉमन ही है ना, है ना, तो मतलब ये आपस में रिश्तेदार है, कौन से रिश्तेदार है, बोले ये हमारा मामा, ये मेरा फूफा, ये मेरे चाचा, ये मेरी चाची, रिश्तेदार है आपस में, ठीक है ना, तो रिश्तेदारी निकालना है यहाँ पे, एल्कोहल ईथर अपनी रिश्तेदारी निकालना है, ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन आपस में रिश्तेदारी निकालना है, एसिड एंड ईस्टर आपस में रिश्तेदारी निकाल, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आपस में क्या निकालना है रिश्तेदारी, मतलब कौन से रिश्तेदार है फंक्शनल आइसोमर्स, कौन सा एंसर इसका फंक्शनल आइसोमर्स का, ठीक है ना, क्लियर हो गया। रिलेटिव्स हैं नाइट्रो एंड नाइट्राइट, ये भी क्या फंक्शनल रिलेटिव्स हैं, कीटोनॉल रिलेटिव्स हैं, नाइट्रो एंड नाइट्राइट रिलेटिव्स हैं, वो भी कौन से रिलेटिव्स हैं जल्दी से बताओ कौन से हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, कौन से हैं फंक्शनल आइसोमर्स, इतना क्लियर हो गया। दो सेकंड नोट डाउन करो, बिल्कुल आराम से नोट डाउन करो सर, पिछला वाला सर अभी तो, यस सर। सर ये इनोल क्या है, इनोल अभी हम पढ़ाएंगे टॉटोमेरिन बताएंगे तो मैं बता दूंगा इनोल, ओके सर। तो अभी क्या है, वैसे मैंने बहुत डिटेल में ले लिया आपके सिलेबस में, टॉटोमेरिन भी नहीं है लेकिन आप लोग का थोड़ा बोल रहे थे सर थोड़ा लेवल लेके चल, तो मैं थोड़ा अपर लेवल लेके चल रहा हूँ, इतना नहीं है तुम्हारे में, सिर्फ एल्कोहल ईथर है एल्डिहाइड कीटोन है बोर्ड लेवल में, लेकिन मैंने कहा चलो ये भी डाल देता हूँ जिससे आप लोग कुछ सीख सकें, है ना। यस सर, आगे बढ़े फिर इसके बाद, एक मिनट सर, आराम से लिख लो कोई दिक्कत नहीं, जब बता दें लिख जाए। सर ये आइसोसाइनाइड और साइनाइड में डिफरेंस क्या है सर, ये कुछ नहीं, देखो अभी तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा, अभी क्या लिख लो मैं, चलो मैं बता देता हूँ आपको जिज्ञासा है, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, सुना है तुमने एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, क्या बताऊँ, जब नाइट जो समझो जब नाइट साइन जब कार्बन लोन पे डोनेट करेगा, क्या करेगा कार्बन, तो बोलते हैं साइनाइड, ठीक है ना, जब नाइट्रोजन डोनेट करता है तब बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड भी देखो कौन बना रहा है, नाइट्रोजन बना रहा है,
याद रखना बॉन्ड का भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो कोई कोई जल्दी जल्दी में सी एन एन सी कर देता, नहीं यदि एन सी कर दोगे तो वो आइसोसाइनेट बन जाएगा, तो जो सामने वाला बनता होगा वह क्या सोचेगा नाइट्रोजन लोन पेयर को लोकेट कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो गया? यस सर, मतलब ऐसे समझो जैसे आदमी होता ना, आदमी दोगला होता है, इंसान दोगला होता ना, तो मैं भी धोखा देगा तुमसे, गले तो मिलेगा बट धोखा देगा, ऐसी साइन आएगा है ना, बोले जैसी जिस तरीके से उसको बदलना उस तरीके उसे, जब काम कार्बन से तो कार्बन से काम ले लेता, नहीं तो जब नाइट्रोजन से काम उसको नाइट्रोजन। आगे बढ़े? यस सर, यस सर, इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब बात आ रही है रिंग चेन आइसोमर्स, ये तुम्हारे सिलेबस में है ठीक है ना, शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा आपको। तो रिंग चेन आइसोमर्स किसे बोलते हैं? रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं अपन किसे बोलेंगे, एक तो ओपन चेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओपन चेन है ना, और एक होनी चाहिए क्लोज चेन, उसे आपस में क्या बोलते हैं, रिंग चेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग चेन, ठीक है ना, कितना क्लियर हो गया? अच्छा जैसे यहाँ पे क्या है ओपन चेन, अब ऐसा नहीं है तुम इस तरीके से बना दो कहीं आपस में रिंग चेन है तब मैं बोलूंगा नहीं है, है ना, क्यों नहीं है, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काम करता है, क्या काम करता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब बोलोगे सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, मैं वो भी बताऊंगा यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना, तो जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा तभी वो आपस में आइसोमर्स होंगे, तो एक नई डेफिनेशन निकल के आई है यहाँ से, कौन सी डेफिनेशन, जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा किसी भी मॉलिक्यूल का तब वो आपस में क्या होंगे, आइसोमर्स, क्या होंगे, आइसोमर्स, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो अब आप बोलोगे सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन एल्केन, लेस देन एल्केन, ठीक है ना, डिवाइड बाय टू, इसे क्या बोलते हैं अपन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब हम बात करें यहाँ पे, अब सर आप बोलोगे सर यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम कैसे होगा, तो याद रखना डबल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है वन, कितना होता है वन, इसको बहुत लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत से टीचर्स इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, टू, कितना होता है, जितने मतलब पाई बॉन्ड, जितना इसमें कितना, एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई, जितने पाई होंगे उतने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होंगे, इस तरीके से समझ सकते हो, डबल और ट्रिपल में, डबल में एक पाई होता तो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ट्रिपल में दो पाई होते दो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, रिंग में कितना होता है वन, वो भी कितने मेंबर तक, सिक्स मेंबर तक, कितना क्लियर हुआ, हेलो सर वो डीबीई क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे हो भाई, इतना क्लियर हुआ, पहले ये बताओ डबल बॉन्ड का रिंग का कितना होता है, एक, सिर्फ छह मेंबर रिंग तक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक होता है, कितना वन, सर अगर रिंग के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर उस ना हो जाएगा प्लस, एक बात ध्यान रखना, एक बच्चे ने अभी बोला था सर डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिंग में एडजस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, इसका रीजन पता है किसी को, कार्बन सर वो कर ही नहीं पाएगा, उसके पास केवल दो ही तो होंगे फ्री, क्योंकि एक तो वो अपने पहले वाले से ही बना लेगा बॉन्ड, ऐसा नहीं है ना, करता एक जगह इसको बनता भी एक जगह लेकिन वो लीस स्टेबल होता है, एक रिएक्शन है बेंजाइन मैथिलीन, जब पढ़ोगे तुम हायर लेवल में, जब आओगे 12th में आओ तब मैं बताऊंगा, लेकिन जनरली नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, सुनो इसका कितने सिग्मा है, दो सिग्मा यानी एसपी, यानी कितना बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, यानी जब 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा तो रिंग क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टूट जाएगी सर, वो चेन ही नहीं, वो क्लोज स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, हां तो ब्रेक हो जाएगी ना, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड कैरी करता है रिंग में, एडजस्ट नहीं करता, ठीक है ना, क्लियर हो गया, यस सर, पक्का, यस सर, अब थोड़ा मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो इतना तो क्लियर हो गया ना, रिंग चेन किसे बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स उसे बोलेंगे जब आपको ओपन स्ट्रक्चर मिलेगा और क्लोज स्ट्रक्चर, लेकिन रिंग चेन हम तभी बोलेंगे जब उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, सेम होगा, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं
हम आइसोमर्स ही तभी बोलेंगे जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में क्या हुआ सेम। क्लियर हो गया इतना? इतना क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की का एग्जैक्ट मतलब तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन एल्केन अपॉन 2 है ना पाई बॉन्ड्स वाला, तो ऐसे ही है कि डबल और ट्रिपल में देख सकते हैं ऐसे। तो आप देखो अभी देख लेते हैं अपन, तो अभी आप इसका भी निकालो तो बन ही आएगा, देख लो फॉर्मूला में रख लो C6H12 रखोगे इसको फॉर्मूला में यहां से तो बन आएगा, कैलकुलेट कर लो, निकालो साइक्लोहेक्सीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। कैसे निकालोगे? देखो मैं एक एक होता है मजदूरी वाला मेथड, तो देखो मैं मजदूरी वाला पहले मेथड करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये दो दो हाइड्रोजन लगे ना यहाँ पे, कितने हैं कार्बन? C6H14। इसका एल्किन का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C6H14। लेकिन यहाँ पे क्या है इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला? C6H12। अच्छा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे आप बताओ? यहाँ पे क्या है 14 में से कितना होना चाहिए एल्किन का? कितने कम है एल्किन से हाइड्रोजन? दो। तो 2/2 कितना आ गया? क्लियर हुआ इतना? अच्छा अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? दो। दो वेरी गुड। इसका बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? एक इसका हो जाएगा 1+1 कितना होता है 2। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन का भी करा देता हूँ, इसमें बताओ, इसमें बताओ क्या होगा? इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ, इसका बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सर दोनों का 2 ही है। 2 होगा। देखो कैसे 2 तो इसका होगा ट्रिपल बॉन्ड का। अब इसका कैसे होगा? एक तो किसका हो जाएगा डबल बॉन्ड का 1, एक रिंग का 1+1 कितना हो गया, ठीक है ना। अच्छा चलो इसका बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, थोड़ा कैलकुलेट करवा देते इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बताओ बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन, नाम लिख लेना ठीक है ना सर। 4 बेंजीन का, इसको बोलते हैं नेप्थलीन, बेंजीन की बड़ी बहन है ये, ठीक है नेप्थलीन। ऑर्गेनिक में भी आपस में रिश्तेदारी चलती है बहुत ज्यादा सर। नेप्थलीन का 7। वेरी गुड। इसमें कितना होगा बताओ? इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, ये सबसे बड़ी बहन है एंथ्रासीन सर। 10 एंथ्रेक्सिन का। बताओ हो गया सभी से? क्या नाम था बेटा तुम्हारा? सर शुभम। ये बताओ यहाँ पे किसी कोई डाउट हो पहले ये बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेंगे वो मैं सब बता रहा हूँ यहाँ तक। पहले बताओ इन क्वेश्चन से पहले तक किसी को डाउट है? नो सर। सर वो एक बार पिछले स्लाइड कर दीजिए, वो वाला क्वेश्चन बता दीजिए। कौन सा? ये वाला? यस सर। देखो डबल बॉन्ड है एक, एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है? 1, 2। और यहाँ पे इसका कितना हो? एक तो डबल बॉन्ड हो गया, एक रिंग हो गई, तो 1+1 कितना होता है? 2। अच्छा यहाँ पे बताओ सर ये सर वो ए वाला समझ में नहीं सर, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन एल्केन डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है? वो फॉर्मूला है भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए सर, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन एल्केन। हाँ एल्किन का पहले देखो, जैसे मान लो आपको कोई भी फॉर्मूला दिया गया, अभी आलम ने ये दिया, तो जैसे मान लो ये दिया हमने है ना, तो यहाँ पे आपको कितने कार्बन दिए गए? 5 दिए गए, उसका एल्किन का फॉर्मूला बनाओ CnH2n2H12 हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। 2 कितने हैं? 2 के 2 के 2 इस पे भी है, 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 10 हो गए। इसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C5H10। कितने कम हो गए इससे? एक डबल बॉन्ड है 1+1+1 और एक रिंग है 1 कितना हो गया? क्लियर होगा इतना? यस सर। अरे बोलो भाई
यस सर। यस सर। कितने बच्चे जुड़े हुए अभी सर? 28। अच्छा वैसे हैं कितने बच्चे? 2, 3, 4, 5। अच्छा अब देखो 28 है। अच्छा तो देखो यहाँ पे कितने कितने डबल बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 तो ये हो गया, रिंग कितनी, 1, 6, 1 ये रिंग है, 1 ये रिंग है, 6 और 1 7, मतलब क्या हो जाए 7। कितना समझ में आया? यस सर। अच्छा यहाँ पे कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रिंग कितनी है, 1, 2, 3, 7 प्लस सर 10 हो गया। क्लियर हो गया? यस सर। सर उसका नाम क्या लिखा है आपने? एंथ्रासीन। एक बेंजीन, बेंजीन से बड़ी बहन है नेप्थलीन, नेप्थलीन से बड़ी बहन एंथ्रासीन। आप क्लियर है? आपने PBE की क्या फुल फॉर्म बताई थी? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ओके सर। और कोई डाउट है अभी किसी को यहां तक कुछ पूछना हो? नहीं पूछना? क्लियर है सर। पक्का? सभी को? यस सर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले तो ये बताओ। यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। तो लास्ट वाली जो तीन रिंग है उसका नाम क्या है? ये लास्ट वाली देखो बेटा, इसको बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं नेप्थलीन, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। ठीक है सर। हाँ बोलो सर। वो आपने जहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल लिखवाए थे ना, एक बार उस पे कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा बिल्कुल बेटा कर देता हूँ। सर ये जो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो फिर से बता दो। बिल्कुल बता दो। क्या नाम है? नाम नहीं बताया। अखिला। अखिला अखिला। देखो अखिला जी फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, एक बार और देख लो अच्छे से। ठीक है जिसको नहीं आया, जैसे मान लो हम ले लेते हैं, किसको उठा लें, किसको उठा लें बताओ। सी, जैसे आपको मान लो कोई भी दे दिया C3H4 दे दिया, ठीक है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, आपसे पूछा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ, तो कैसे निकालोगे? n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 है ना, इसको l के लिए फॉर्मूला में रखो। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, C3H कितना हो जाएगा, 8। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हैं एल्किन में? 8। लेस देन एल्किन कितना होंगे? 4। तो 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड इक्वल टू इसको मैं बोलता हूँ, देखते हैं कुछ बच्चे तो जैसे ही मैं लिखता हूँ वैसे ही बस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। करो उसको एक मिनट में। तो 17। अरे क्या बात है यार, कोई बता सक पाएगा इसका, इस राक्षस का क्या होगा भाई? करो सेवनटीन। So 17. So 17.
हो गया? यस सर। बताओ सर, 17 आया। 17 अभी का देखो कितना, दो तो इसका हो जाएगा, दो प्लस तीन एक चार और एक पांच, एक छह, एक सात, एक आठ, एक नौ और एक दस, एक ग्यारह, एक बारह और तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, कितना हो जाएगा? डी ओ यू। ये बताओ किसको समझ में नहीं आया? अब तो आसान है बहुत, हमें क्या देखना है, बस सिंपल सा है। उसमें जो बीच वाली रिंग है उसका भी तो काउंट करेंगे ना। काउंट कर तो लिया मैंने, देखो एक इस रिंग का ले लिया वन प्लस वन, एक डबल बॉन्ड का इसका ले लिया टू, इसका ले लिया वन वन, इसका ले लिया फोर रिंग का, इसका भी ले लिया हमने थ्री, इसका दो, इसका एक, देख लेते हैं, एक तीन और एक चार, दो छः, दो आठ, चार बारह, तीन पंद्रह, दो सत्रह, एक अठारह आएगा। हाँ क्या नाम था? देवेश। देवेश, अठारह आ रहा है बेटा, चेक करो एक बार। अठारह आ रहा था, चेक करो। अठारह ही आ रहा है, अठारह कहते सर। गेनू फिर से गेनू। यस सर, अठारह ही आ रहा है। आ रहा है गेनू, मैंने लिख तो दिए, मैंने सब लिख दिए। देखो दो इस बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, एक इसका, तीन इसका, तीन इसका और एक रिंग का, चार, एक और एक, देखो ऐड करो उसको। क्या मैं कर लूँ क्या? अठारह ही आ रहा है ना, इसी का अखिला सर। 17 ही आ रहा है। देख लेते हैं, दो इसका लिया, ठीक है मैं यहां से कर रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है दो, ठीक है फिर हमने इस रिंग का लिया एक, फिर हमने इस रिंग का लिया एक, है ना, फिर हमने इस डबल बॉन्ड का लिया एक, ये रिंग कंप्लीट हो गई। अब देखो ये तीन डबल बॉन्ड है, तीन इसका ले लिया, रिंग का एक ले लिया, फिर हमने ये ले लिया दो, अच्छा फिर देखो फिर से इस रिंग का तीन ले लिया, ये डबल बॉन्ड का दो ले लिया, इस डबल बॉन्ड का एक ले लिया, देख लो ऐड करो, दो और एक तीन, एक चार, एक पांच, तीन आठ, एक नौ, दो ग्यारह, तीन, अरे सत्रह आ रहा है। सत्रह ही आएगा। यस सर, वो दो बार गिन लिया था मैंने एक को। हाँ अब तो सत्रह ही आ रहा है। हमने क्या है, तीन, दो, पांच, एक छह, एक सात, एक आठ, चार, बारह, एक तेरह, सर लिखी तो सही है, काउंटिंग में गलती हुई होगी। सत्रह ही है, सत्रह ही। शुभम? यस सर, सत्रह ही आएगा सर। मतलब मेरी काउंटिंग में मेरी भी गड़बड़ी करा दी तुमने, है चलो मैं इसको इरेज कर देते हैं। सत्रह, चलो ठीक है आगे बढ़े। यस सर, यस सर। अब बात करते हैं मेटा मैरिज। तो देखो मेटा मैरिज में किसे बोलेंगे? मेटा मैरिज हम उसे बोलेंगे, ऐसे समझो जब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो आपका, हम ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम ले लेते हैं, काम करते हैं, जैसे देखो मेटा मैरिज हम उसे बोलेंगे, जैसे मान लो हमने क्या किया फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। एक मिनट मैं करेक्ट चेंज सर। वैसे हमने ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसलिए पढ़ी थी ना कि रिंग रिंग्स इन आइसोमेरिज्म में जो होते हैं कंपाउंड्स उनकी सेम होती है वो, उनके लिए नहीं सभी के लिए ही मैंने बोला है। अच्छा सारे आइसोमर्स के लिए सेम होती है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम ही नहीं होगा तो फिर वो आपस में आइसोमर्स ही नहीं होंगे। हां ठीक है, मैंने बोला नहीं था, एक डेफिनेशन नहीं बताई थी, जब मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा तभी वो क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे आपस में। यस सर, वो भी मैटर करता है ना। एल, ये वाला एक ईथर मिल रहा है आपको, ये वाला एल्कोहल मिल रहा है, देखना ये वाला एल्कोहल है ना, और मैं अब दे रहा हूँ ये वाला ईथर, तो क्या ये आपस में आइसोमर्स होंगे? नहीं होंगे ना। तुम कहोगे सर यहाँ भी एल्कोहल है यहाँ ईथर है तो आपस फंक्शनल होने चाहिए, नहीं हो सकते ना, क्यों, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ही सेम नहीं है।
यस सर। अब देखो, अब हम बात कर ले यहाँ पे, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, डिग्री ऑफ अनसेक्शन बोले या फिर यहाँ पे मे भी बोल सकते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम नहीं है, क्या नहीं है, मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम नहीं है। तो देखो अब हम क्या करें, जैसे मान लो हमने मेटा मैरिन पढ़ना है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो दोनों साइड, सर ऐसा हो सकता है क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो या और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अलग हो? आप अपन सिचुएशंस कैसे, मैं समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ सर, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा हो उसमें और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अलग आ रहा हो, ऐसा कुछ? तो फिर तो हो ही सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एल्केन के केस में ही पॉसिबल है, जो कि फिर वो आपस में क्या होंगे, आइसोमर्स भी हो जाएंगे यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। ओके सर, तो डबल और ट्रिपल में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज ही हो जाएगा ना, एक में डबल बॉन्ड एक में ट्रिपल बॉन्ड है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, देखो ये हमने फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में कह दी, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप को डिफरेंट हम कर दें, ठीक है ना, डिफरेंट अरेंज कर दें, तो क्या करें, क्या बोलेंगे उसको, मेटामर। जैसे अभी हमने दो दो कार्बन ले लिए दोनों साइड, अब हम क्या करें, एक तरफ तीन ले लें, एक तरफ एक ले लें, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपस में कैसे आइसोमर्स होंगे, मेटामर्स होंगे, ठीक है ना। अच्छा, मेटामैन कौन, ऑक्सीजन भी करेगा, सल्फर भी करेगा, कार्बोनिल भी करेगा, ये सारे सारे कंपाउंड क्या शो करेंगे, मेटामैरिन को शो करेंगे। जैसे समझने के लिए आप देख लो यहाँ पे, मैं समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ यहाँ पे, फिर अपन बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये एल्कोहल है, क्या ये मेटामैरिन शो करेगा? अच्छा, ये मेटामैरिन शो करेगा, जैसे आपको ऑप्शन आ गया ए मेटामैरिज, है ना, बी आ गया पोजिशन, सी आ गया बोथ ए एंड बी, एंड डी आ गया नन ऑफ दीज। बताओ क्या होगा इसका? सर पोजीशन, इसका के साथ कौन कौन जाएगा बोलो, बी ऑप्शन इसका का है, बताओ कौन कौन हो, बी सभी लोग कर रहे हैं, बी क्यों बेटा, ऐसे कंपाउंड सर पोजीशन ही होगा सर, अगर बिल्कुल गारंटी लगाओ, चैलेंज के साथ बोलो, पोजीशन ही होगा ना। ये मैटर मैनेजमेंट समझ नहीं आया सर, अभी हम समझा रहे हैं ना, अभी खत्म कहां किया है, देखो अभी यहां भी इसका आंसर सी होगा, मैं तो एग्जांपल बहुत लेता हूं ना, आपको पता है ना। देखो यहां इसके रिस्पेक्ट बताओ, फंक्शनल ग्रुप की रिस्पेक्ट में इस साइड कितने कार्बन है, एक कार्बन, इस साइड कितने कार्बन, तीन कार्बन। यहां पे देखो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, यहां पे दो कार्बन है, यहां भी दो कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में दोनों साइड एल्काइल ग्रुप क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, क्या हो जाए, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट, तब क्या शो करेगा, वो मेटामैरिज को शो करेगा। अच्छा, ये पोजीशन को भी शो करेगा, क्यों, यहाँ पे किसी पोजीशन पे लगा, दूसरी पोजीशन पे लगा, और यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे लगा सर, ठीक है। सर वहां पे तो बट पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप लिखा है ना, तो पॉलीवेलेंट की तो ये फंक्शनल ग्रुप है, दूर तो चले जाओ कुछ भी सर, OH तो पर मोनोवेलेंट हो गया ना, अरे यार OH क्यों शो, OH भी करता है शो भाई, लेकिन OH भी करता है, ऐसा थोड़ी ना पॉलीवेलेंट ही होगा तभी शो करेगा। सर एक बार डेफिनेशन फिर से समझा दो, ये बोला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, लेकिन एल्काइल ग्रुप जो दोनों साइड जुड़े हुए हैं वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट जुड़े होने चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफरेंट जुड़े होने चाहिए, जो दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में वो कैसे जुड़े होने चाहिए, डिफरेंट जुड़े होने चाहिए। और सर ये पॉलीवेलेंट किस रिस्पेक्ट में लिखा है फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवेलेंट बोले तो बहुत सारे जो एल्काइल ग्रुप अटैच टू पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब बहुत सारे, ये सारे फंक्शनल ग्रुप की और एल्कोहल यहां पे एच2 होते हैं, आर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सल्फर। अच्छा, मतलब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा इसका मतलब, टर्मिनल वाला नहीं ले सकते ना अपन, नहीं ले सकते टर्मिनल वाला नहीं ले सकते, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। सर मतलब अगर सिंगल वैलेंसी भी होगी जब भी वो फिर मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं ऐसे कि वो चीज निकल रहा है। हाँ, तो चेन के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना, तो मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बोथ साइड्स पे नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए तभी शो करते हैं। हाँ करेगा करेगा, देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कीटोन था, यहाँ भी क्या था, देखो यहाँ पे कितने कार्बन था, एक, और यहाँ पे कितने लगे, चार कार्बन, एल्काइल ग्रुप क्या लगे हुए, डिफरेंट लगे हुए दो, और यहाँ पे तीन, तो देखो ये कैसे आइसोमर्स होंगे आपस, बताओ, मेटामेरिज, क्या ये पोजीशन भी होंगे सर? यस सर पोजीशन भी है,
बता दिया मैंने, बोथ आर मेटामर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये बात दोनों में कुछ समझ नहीं आया, मेटामर्स को कैसे। हमने ये बोला फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में दोनों साइड एल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये भी एल्काइल डिफरेंट हो, ये भी एल्काइल डिफरेंट हो, मींस हम ऐसे बोल सकते, जैसे मैंने ये लिखा इस तरीके से बना, डबल बॉन्ड हो, इसके रिस्पेक्ट में देखो एक कार्बन यहाँ है, तीन कार्बन यहाँ है। अब हमने क्या किया, डबल बॉन्ड हो यहाँ लग दिया, तो दो कार्बन वो सेम लिख लिया था गलती से, कोई बात नहीं। अब क्लियर हो गया यस सर सभी को? यस सर यस सर। एक साथ बोलना, लॉक कर दिया जाए। यस सर यस सर। मुझे चार पांच लोगों की आवाज आती है बस इसमें, और तो सब पता नहीं कहाँ है। सर पीछे वाली स्लाइड कर दीजिए सर, सर जिस पर भी थे। यस सर। क्लियर हो गया इतना? यस सर। फिर इससे भी पीछे वाली करना। बिल्कुल लो। हो गया सर। सर अभी वो वाला नहीं हुआ था, इससे पिछले वाला। लो। ये तो यहाँ तक किसी कोई डाउट यार, तुमने टोटो मैरिज में खत्म नहीं हो पाई, अब चलो नेक्स्ट टर्न पे खत्म करेंगे। एग्जांपल्स मैंने ज्यादा ही ले लिए कुछ। सर वो लास्ट वाला एग्जांपल भी लिखना है? हाँ, अरे लिखो भाई, एग्जांपल लिखना तुम्हारा अधिकार है, जम से अधिकार है, इसको भूलो मत। जितने ज्यादा एग्जांपल्स होंगे उतने अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एक बात ध्यान रखना। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा पहले तो ये बताओ। तुम तब कहाँ चले गए भाई? आ रहा है सर। इतनी देर में रिप्लाई दिया तुमने, हमने सोचा हमारा वो लिंक डिस्कनेक्ट हो गया क्या। आगे बढ़े? यस सर। सर दो मिनट। हाँ दो नहीं, हम तीन मिनट हो गए, आराम से करो। यस सर आ रहे हैं। मतलब सर जब शुरुआत हुआ था इस चैप्टर में तो लगा नहीं था इतना मजा आएगा। अरे बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। yes, अभी तुम देखो केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, बस जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे पढ़ते हैं ना, बस कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे पढ़ते जाना बस, बाकी का सब टेंशन नहीं लेने का, सब हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। अच्छा नाम yes, पता लग रहा है, ऑर्गेनिक पकाऊ हो गई है ना, जैसा सुना होगा तुमने, मुझे ऐसा लग रहा है। सुना होगा, पता क्यों नहीं आती ऑर्गेनिक किसी को, उसका रीजन पूछा तुमने उससे कभी? उनने तो कहा था मुश्किल है, मुश्किल है। कुछ चीजें कम क्लियर हो, लेकिन ट्वेल्थ में जब मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा ना अच्छे से, और अच्छे से पढ़ाऊंगा डिटेल में ऑर्गेनिक को, बिल्कुल और गहराइयों में चलेंगे, समुद्र के बीचों बीच चलेंगे, मैंने आपकी खाड़ी में वहां पढ़ने जाएंगे ऑर्गेनिक, तब तुम्हें क्लियर और अच्छे से होगा। हाँ भाई इतनी गहराइयां पड़ी हुई है अभी, ठीक है, तब तुम्हें मजा आएगा। अच्छा ऑर्गेनिक ऐसा भी होता है, इतना आसान होता था ऑर्गेनिक, हमें बेवकूफ बनाया था लोगों ने, ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना, तो बेवकूफ नहीं बनना। ठीक है, नहीं आता सुनो सबकी, बट मन में मत बैठाओ कि ऑर्गेनिक टफ है, मुझे पता ना 99% ऑर्गेनिक से ज्यादा तो फिजिकल टफ लग रही है। अरे फिजिकल भी आसान हो जाएगी, सो डोंट वरी। ठीक है सर, अगर लेफ्ट और राइट साइड पे नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन जैसे ये लास्ट में राइट वाला है ना, जैसे अगर इसमें ये जो राइट साइड पे अगर एन प्रोपेन लगा होता सीधा, और एक ये स्ट्रक्चर है और एक वो स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों मेटामर्स हैं? हाँ होते, बिल्कुल होते, यानी नॉर्मल प्रोपेन लगा तब भी होते, यहाँ पे एक था, यहाँ पे चार थे, यहाँ पे कितने हो जाए, तीन और दो होते, तब भी होता।
ओके सर, अभी मैं सिखाऊंगा कितने मेटामर्स बनेंगे भैया, क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके नीट में कि इस कंपाउंड के कितने मेटामर्स बनेंगे। अभी तो तुम्हें सीखना है वो चीज, अभी तो तुम स्ट्रक्चर में ही डले हो। अभी मैं सिखाऊंगा अभी ट्वेल्थ में कि C5H11Cl, हमने जैसे ये तीन कंपाउंड बनाए थे अभी, याद हो आपको शुरू में स्ट्रक्चर बनाए थे हमने तीन, ये वाले याद है हमने बोला था ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स है ना, ये तुम्हें सिखाऊंगा भाई ये कैसे बनाते हैं। और नहीं सीख पाए तो याद रख लेना बस C5H12 के तीन रखते, तीन होते हैं इतना ही एक रीजन है, ठीक है ना। सीख लोगे तो पूरी जिंदगी याद रहेगा, नहीं तो फिर याद रख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसका। आगे बढ़ते हैं, बताओ ये कैसे आइसोमर्स हैं आपस में। पहला क्वेश्चन ABCD में, फंक्शनल। अच्छा क्या इसका आंसर आया फंक्शनल, चलो और बोलो। देवेश नहीं सर, पोजीशन। अच्छा आज का आंसर आया पोजीशन, फिर आएगा थोड़ी देर बाद मेटा मैरिज। नहीं सर, सर पोजीशन। अच्छा फिर पोजीशन है ना, हमने बताया था ना इसको क्या बोलते थे अपन, पर्सनल हैलाइड, जब दोनों कार्बन पे जुड़े हुए हैं ना। अभी दोस्ती है, ब्रेकअप करा देते हैं, ठीक है ना। जब ब्रेकअप कराएंगे तो क्या हो जाए, पर्सनल। और देखो पोजीशन तो डिफरेंट होगी ना ब्रेकअप कराने में, इसने कहा नहीं हम यहाँ, देखो पोजीशन दूरियां बढ़ गई, दूरियां बढ़ेंगी तो क्या होगा, देखो पोजीशन कौन सा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बोलो। यस सर, क्योंकि यहाँ पे दोनों हेलोजन कहाँ लगे थे, वन पोजीशन पे, और यहाँ पे कहाँ पे लगे हैं, वन और टू पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ स्टीरियो आइसोमेरिंग इंक्लूड्स, बताओ किस किस को इंक्लूड करती है। शुरुआत में हमने बताया ऑप्शन, सर सी ऑप्शन, ये ऑप्शन तो लॉक कर दिया जाए। यस सर। अच्छा तो आप देख लेते जीते या नहीं जीते, बिल्कुल सही आंसर है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें बताओ सर, अभी नोट नहीं किया उसे, नोट कर लो यार, ऐसी क्या बात है, तुम लोगों ने टॉटोमेरिन नहीं पढ़ाने दिया, टॉटोमेरिन कल पढ़ाएंगे, कल थोड़ा ज्यादा टॉटोमेरिन पढ़ा देंगे। और कल ही हम आपका स्टार्ट करते हैं, थोड़ा COC स्टार्ट करते हैं, इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट खत्म कर देंगे, फिर अपन एक दो दिन में जल्दी से ऑर्गेनिक खत्म करते हैं। हो गया सर, लेवल। अरे एक सेकंड, इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखाना, आप बिल्कुल दिखाएंगे, लो भाई। हो गया सर, सर इससे पहले वाला स्लाइड भी एक बार, अरे बता दो भाई, और इससे पहले वाला दिखाएं स्लाइड। Yes, सर ये वाला एग्जांपल भी लिखना है। मैंने क्या बोला था शुरू में आके, क्या बोला सर, यहाँ पे आपने ज्यादा देर तक रोका नहीं था ना, इसीलिए तो मैं बोलना चाहता हूँ। हमने क्या बोला, एग्जांपल लिखना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जितने ज्यादा एग्जांपल्स होंगे उतना अच्छा तुम्हारा टॉपिक क्लियर होगा। और बताए yes, हो गया। नो सर अभी नहीं हुआ। तुम्हारा एस ब्लॉक बचा है, टी ब्लॉक बचा है ना, और ऑर्गेनिक बची है ना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अरे एस ब्लॉक में ही आ जाएगा वो, करते हैं तुम्हारा कुछ प्रबंध जल्दी। सर इनऑर्गेनिक भी आप ही करवाओगे? करवा देंगे, हम ही करा देंगे, हमसे नहीं करना क्या सर? और ऑर्गेनिक तो अच्छी पढ़ाई सर, इनऑर्गेनिक अच्छी पढ़ाओगे सर? देखो इनऑर्गेनिक अभी शायद तुम्हें मजा ना आए इनऑर्गेनिक में, क्योंकि मुझे नहीं पता, जैसे मैं GOC ऑर्गेनिक में पढ़ाता हूँ ऐसी मैंने इनऑर्गेनिक की GIC बनाई है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मेरी खुद की है बनी हुई, ठीक है ना। बट इतना भी अपन बोर्ड लेवल को खत्म कर लेंगे वहाँ पे, जब अपन इन डिटेल पी ब्लॉक और पढ़ेंगे, जब ट्वेल्थ में एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो अपन इन डिटेल जब पढ़ेंगे उसको, तब तो सर वो भी ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ में पी ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक हम पढ़ाएंगे दोबारा से, ठीक है। ट्वेल्थ में नहीं है तो ट्वेल्थ में समय पर्याप्त है आपके लिए, इसलिए पूरा एक बहुत टाइम है आपका। देखो यहाँ पे 2 क्लोरो पेंटेन 3 क्लोरो पेंटेन, बताओ कैसे आइसोमर्स हैं आपस में।
पोजिशनल लॉक कर दिया जाए yes. ये पता है ना yes, सर बना के भी देखो कार्बन की वैलेंसी भैया कितनी होती है चार ये बात ध्यान रखनी तो सर बोलो सर ने तो है ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेना अपने अकॉर्डिंग चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब बताओ यहाँ पे थ्री कौन कौन थ्री के साथ जाएगा शांति ने बोला था सर फोर के साथ निधि फोर निधि चलो आज निधि तुमने पहले सर रिद्धि रिद्धि आज अच्छा रिद्धि ठीक है रिद्धि याद आ गया सर फोर होना चाहिए फोर होना चाहिए जो तीन मुझे पता रिद्धि ने क्यों दिया तो तीन आंसर उसका मैं रीजन बता रहा हूँ रिद्धि ने एक ये बनाया होगा एक ये बना दिया होगा बात तो एक ही है ना एक दो तीन अब उसको उल्टा करो चाहे इसको ऐसा लिखो चाहे इसको ऐसा लिखो जैसा मर्जी हो वैसा लिखो होगा तो प्रोपेन ही है ना अब देखो है ना अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रोपेन चार कार्बन में दो कार्बन तो कभी शो नहीं कर सकता एक भी नहीं करेगा ठीक है ना अच्छा चार में एक हमने ये बना दिया चार का तो बनेगा नहीं अब कितने का बनेगा तीन ठीक है ना तो ये क्या मिनिमम कार्बन एटम जो शो करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने चाहिए उसमें चार कितने चाहिए चार क्लियर हुआ सर तीन क्यों नहीं चाहिए देख लो भाई तुम बनाओ भाई कैसे बनाओगे दो आइसोम बनाओ भाई बनाओ तुम बनाओगे तभी तो क्लियर yes, होगा सर आ गया समझ आ गया सर समझ आ गया ना बनाओ जब तुम खुद बनाओगे रात भर लगे रहोगे सुबह जब आओगे मेरे पास बोलोगे सर नहीं बने तो मैं कहूंगा क्या कहूंगा कि वो सोई नहीं करता है ठीक है ना अब बताओ ये वाला होगा क्लियर यस सर लॉक कर दिया जाए यस सर चलो डी ऑप्शन सही है तो ठीक है फिर ठीक है ना इस सेशन को अपन करते समाप्त कल के लेक्चर में अपन करेंगे टॉटोमेरिन और इसके आगे खत्म करेंगे ठीक है ना ये टॉटोमेरिन में अपन खत्म कर लेंगे कल सर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में तीन कार्बन में रिंग चेन नहीं बन सकता अरे बच्चा देखो रिंग चेन कैसे बन जाएगा तुम ही बताओ हमने किसकी बात पूछी है यहाँ पे रिंग चेन की बात ही पूछी ना मैंने यहाँ पे क्या एल्कीन पहले पढ़ो यहाँ पे किसकी बात की है हमने सॉरी हाँ एल्कीन है वो एल्कीन चाहिए उसके लिए ठीक है क्लियर हो गया यस सर चलो अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है ना किसके साथ कोई होमवर्क नहीं है सर होमवर्क चाहिए तुम्हें अच्छा सर वो क्वेश्चन यही वाले क्वेश्चन डीपीपी दिलवा देना डीपीपी दिलवा दें यस सर वो सही रहेगा वो सही रहेगा चलो करते हैं कुछ प्रबंध आपका डीपीपी का करवाते हैं डीपीपी हो जाएगा डोंट वरी आज तो नहीं मिल पाएगी लेकिन कल मैं करवा दूंगा अभी क्या करना अभी क्या करना एक काम करना तुम्हें एनसीईआरटी को रीडिंग कर लेना एनसीईआरटी है सेकंड पार्ट यस सर कल अपन टॉटोमेरिन खत्म कर लेंगे और खत्म कर लेंगे दो चीजें खत्म करेंगे टॉटोमेरिन और खत्म करेंगे एक और टॉपिक कंफर्मर्स दो टॉपिक खत्म कर लेंगे तो ये आइसोमेरिन का पार्ट हो जाएगा कंप्लीट फिर अपन देखेंगे इसके बाद टॉटोमेरिन हो जाए ये फिर अपन जीओसी परसों अपन जीओसी खत्म कर लेंगे अभी मैं सिर्फ बोर्ड लेवल पे खत्म करूंगा इंडक्टिव इंडक्टिव ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा कार्बोटेन का थोड़ा सर क्लीवेज वाला पार्ट नहीं आएगा उसमें वही वही क्लीवेज वाला ही थोड़ा पार्ट बता दूंगा है ना होमोलिसिस हेटरोलिसिस ये सब मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा ठीक है ना उसके बाद फिर अपन करेंगे हाइड्रोकार्बन स्टार्ट ठीक है ना तीन लेक्चर या दो लेक्चर में अपन हाइड्रोकार्बन खत्म कर देंगे बोर्ड लेवल पे सर रेजोनेंस वगैरह नहीं पढ़ाओगे पढ़ा देंगे थोड़ा थोड़ा बता देंगे मैं आपको मतलब आपको सिर्फ पता होगा कि यहाँ बोर्ड में इतना आता इतना हो गया ठीक है तुम लोग टेंशन मत लो किसी को टेंशन लेने मैं ये मतलब यार मेरा कहना ये है कि अपन जल्दी पहले सिलेबस खत्म कर लें जिससे आप लोग बोर्ड स्टार्ट होंगे तो आप बोर्ड अपना देते रहे एग्जाम बोर्ड देते रहेंगे बोर्ड खत्म हो जाएंगे तो लेकिन हम क्लास तो ले ही रहे हैं ना डेली क्लास तो चलती रहेगी आपकी फिर हम करेंगे अपन टफ चैप्टर से स्टार्ट आप बोलोगे सर मुझे ऑर्गेनिक डिटेल में पढ़ फिर अपन डिटेल में ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दें शुरू से क्लास खत्म नहीं होगी आपकी क्या खत्म हो जाएगा मतलब जो बच्चे बोर्ड देना चाह रहे हैं किसी बच्चे को बोर्ड देना भाई क्या लिखेंगे तो बोर्ड के लिए खत्म हो जाएगा अभी आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ बोर्ड
तो वैसे बहुत दूर है। अरे टेन और सर उतना तो स्कूल वाले भी करवा देते हैं। अच्छा तो तुम्हारा मतलब कहना क्या है सर? जैसे पी ब्लॉक और मतलब वो दो बार करवाना पड़ेगा आपको फिर। हाँ, तो आप एस ब्लॉक तो नीट के हिसाब से करवा देना और हाइड्रोजन वगैरह। अच्छा पी ब्लॉक हम बाद में पढ़ा दें, ऐसा मतलब है कहने का तुम्हारा? अच्छा चलो देख लेंगे अपने हिसाब से, अपन एडजस्ट कर लेंगे जैसा तुम लोग बोलोगे, बात कर लेंगे हम भी मैनेजमेंट में, ठीक है ना, उस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है यस सर। यस सर और बता कोई डाउट हो यहाँ तक किसी कुछ पूछना हो फिर चला जाए। यस सर मिलते हैं। गुड इवनिंग सर क्लास में। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। ओके चलते हैं।